Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम कंटिन्यू करने वाले हमारे लास्ट लेक्चर को जहां हमने छोड़ा था, यानी कि एलिलिक इंटरैक्शन। हमने एक ही एलिलिक इंटरैक्शन पढ़ा था, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद आगे के जो और भी बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था इनकम्प्लीट डोमिनेंस? हम लोग ने एग्जाम्पल के साथ किया था। कौन सा एग्जाम्पल? मिराबिलिस जलापा फ्लावर। तो अगर कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, तो आप मुझे बताओगे कि कैपिटल का आर का कलर और स्मॉल आर का कलर क्या होगा? कैपिटल आर का कलर होगा रेड और स्मॉल का क्या होगा? वाइट। क्योंकि रेड क्या है? डोमिनेंट है और वाइट क्या है? रेसेसिव है। अब इसकी जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या होगी? कैपिटल आर स्मॉल आर, वो अब क्या है? हिटेरोजाइगस। तो अब जो कलर आएगा वो ना रेड होगा ना वाइट होगा। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू मेंडल वो होना चाहिए रेड, पर वो रेड भी नहीं होगा, वाइट भी नहीं होगा, वो होगा पिंक। क्या होगा? पिंक कलर। तो यहाँ आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट कि डोमिनेंस सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है, हिटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है। अब अगर हम इसकी सेल्फिंग करें, किसकी? कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फिंग करें, तो करो, चलो खुद से करो, इजी। कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फ को क्रॉस करना है, तो क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका मतलब एक क्या आएगा? वाइट आएगा, एक क्या आएगा? रेड आएगा। ऑब्वियसली जो सबसे डोमिनेंट है वो रेड होगा, जो सबसे रेसेसिव है वो वाइट होगा, पर जो हिटेरोजाइगस वाले हैं वो क्या होंगे? पिंक कलर के फ्लावर्स होंगे। कौन से? पिंक। यहाँ पर जो पिंक आया था तो वो जो फ्लावर्स है, अब देखो तुम फिनोटाइपिकली सोचो कि पिंक फ्लावर की हम सेल्फिंग करा रहे हैं, उसमें से रेड, पिंक और वाइट तीनों फ्लावर्स निकल सक रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मतलब कैपिटल आर अपने रास्ते जा रहा है, स्मॉल आर अपने। हमने देखा कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ चिपका के रखा था क्या? नहीं, अलग अलग कर दिया। इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। कंप्लीट डोमिनेंस यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस हो रहा है? नहीं, वो नहीं हो रहा, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज प्लियोट्रॉफी, जिसकी हम अगले की बात कर रहे हैं एलिलिक इंटरेक्शन की। तो देखो, मेंडल भाई साहब ने बताया था कि वन जीन विल कंट्रोल वन कैरेक्टर। एक जीन कंट्रोल करेगा एक कैरेक्टर को। अब हमारे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए ना, मेंडल ने बोला है मतलब सही है, वन जीन कंट्रोल करेगा वन कैरेक्टर, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। पर दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। प्लियोट्रॉफी का मतलब ही ये होता है वन जीन विल कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, तो उसका मतलब हो जाता है प्लियोट्रॉफी, जिसका एग्जाम्पल है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सब इम्पोर्टेंट, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके, प्लियोट्रॉफिक है। तो इसको भी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो भी एलिलिक इंटरेक्शन में आपको बता रही हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस तो आते हैं, जैसे कि हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा? हमने मिराबिलिस जलापा का पढ़ा। मैंने आपको और दूसरे भी एग्जाम्पल्स बताए थे विथ निमोनिक, क्या क्या था? मिराबिलिस जलापा तो था ही था, एक डॉग फ्लावर था, एक स्नैप ड्रैगन फ्लावर था, दूसरा एक और फ्लावर था एंटीराइनियम मजास, एक फैदर था जिसका नाम क्या था? एंडल्शियन फाउल। ये सब एग्जाम्पल्स थे किसके? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं फिनाइल कीटोन यूरिया के साथ। तो इसको लिखो, फिर इरेज करती हूँ मैं। आई नो स्पेस है, बट स्टिल आई नीड द होल बोर्ड। इसमें एक और एग्जाम्पल ऐड कर लेना, वाइट आई इन ड्रोसोफिला। ओके
नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फिनाइल कीटोन्यूरिया. इसको बताने के लिए मैं आपको एक पहले पूरी की पूरी फ्लो चार्ट एक आपको बताती हूँ. क्या फ्लो चार्ट है? फिनाइल एलानिन विल कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, विल कन्वर्ट इनटू डोपा एंड डोपा विल फॉर्म मेलानिन. समझे इतना? फिनाइल एलानिन विल कन्वर्ट इनटू टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस. फिनाइल एलानिन क्या हुआ? उसको हाइड्रोक्सिलेस किया, एक रिएक्शन किया जिसकी वजह से बना टायरोसिन. टायरोसिन से बनेगा डोपा इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनेस. फिनाइल एलानिन विल कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, टायरोसिन विल कन्वर्ट इनटू डोपा और डोपा बनाता है मेलानिन जिससे हमारी बॉडी का क्या आता है? कलर आता है. इतना समझ में आया? कोई भी डाउट इसमें नहीं? तो चलो आगे बढ़ते हैं. पी हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन बनेगा फ्रॉम टायरोसिन और फिर उसके बाद बनेगा होमोजेनेस्टिक एसिड. उसके बाद बनेगा CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज. अब मैंने इतना सारा आपको क्यों बताया, एक चीज और बता के बताती हूँ. देखो, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इज एन एंजाइम जिसका जो जीन है वो किस पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 12. टायरोसिनेस प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11. एच ए ऑक्सीडेज प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 3. अब मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब मैं इसका क्या करूँ? क्या करना है इस इन्फॉर्मेशन का? लिख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ. शांति से मैं समझाती हूँ. लिखो लिखो. तो अब देखो, मैंने आपको बोला फिनाइल कीटोन्यूरिया हम पढ़ेंगे और मैंने इतना बड़ा टेबल बना दिया. अब मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि इसकी टेंशन मतलब इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रहेगा नहीं रहेगा वो आपकी इच्छा. मैं अब जो बोलूँगी वो सब याद रहना चाहिए, ठीक है? ये सिर्फ आपको मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा. अभी जो मैं बोलूँगी ना वो सब पूछेंगे, पर वो सब जानने के लिए ये टेबल पता होनी चाहिए. तो अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद है इस फ्लो चार्ट के, देन इट्स फाइन. पर अभी से जो मैं बोलूँगी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने चालू किया फिनाइल एलानिन से. फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है. ऐसा क्वेश्चन आता है. क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बताती हूँ. हमको पढ़ना है फिनाइल कीटोन्यूरिया. क्या पढ़ना है? फिनाइल कीटोन्यूरिया. यही पढ़ना है नाम को. तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है? उसमें होता है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी. इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज रहता ही नहीं है. तो अगर वो नहीं रहेगा तो ये आगे के जो भी रिएक्शंस है क्या वो होंगे? नहीं होंगे ऑब्वियसली. जब वो टायरोसिन में ही कन्वर्ट नहीं होगा तो ये सब कुछ रिएक्शन नहीं होंगे. पर फिनाइल एलानिन तो है हमारे पास, तो इसका क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल एलानिन पाइरूवेट से पे. फिनाइल पाइरूवेट एलानिन नहीं, ठीक है? ये जो अब मैंने बोला दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट.
फिनाइल कीटोन्यूरिया का मतलब क्या होता है? इट इज डेफिशिएंसी और रिडक्शन इन फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ड्यू टू विच फिनाइल एलानिन विल नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन रैदर इट विल कन्वर्ट इनटू फिनाइल पाइरुवेट. समझे? इसके सिम्टम्स क्या होंगे? अब अगर पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया वो फिनाइल पाइरुवेट में, इसकी वजह से होगा एक मेंटल रिटार्डेशन, और दूसरा हाइपोपिगमेंटेशन. अब हाइपोपिगमेंटेशन क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट में क्या बन रहा है इस रिएक्शन से? मेलानिन बन रहा है. लेकिन अगर हम लोग इस रिएक्शन को आगे होने ही नहीं देंगे तो हमारा पिगमेंट कहाँ से आएगा? तो इसलिए हाइपोपिगमेंटेशन इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया. समझे? इतना पहली चीज़ समझ में आई. वेरी गुड. अब मैंने क्योंकि ये चार्ट आपको बताया तो मैं आपको एक्स्ट्रा दो चीज़ और बता देती हूँ. पहली चीज़ ये है कि अगर टायरोसिनेज की कमी हो जाती है, यहाँ पे फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी थी इसलिए फिनाइल कीटोन्यूरिया हुआ. वेरी इंपॉर्टेंट. डन. वेरी गुड. टायरोसिनेज की कमी होगी तो क्या होगा? एल्बिनिज्म. ठीक है. एच ऑक्सीडेज यानी होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी होगी तो होगा एल कैप्टोन्यूरिया. एल कैप्टोन्यूरिया का एक सिम्टम्स होता है कि अगर यूरिन है उसको ओपन एयर में रख दिया तो वो फट से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओपन एरिया में रख दिया तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा. अब मेरे को ना हमेशा से इस चीज़ का ना बहुत डर लगता था. मैं जब छोटी थी ना, आई गेस नाइन्थ स्टैंडर्ड में कुछ थी, नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड में, तो हमारे साइंस के किसी टीचर ने ऐसा बोल दिया था कि अगर जिस दिन में किसी इंसान की यूरिन ब्लैक आ जाती है ना तो मतलब वो मर जाएगा. तो तब से, अब छोटे बच्चे थे हम लोग, तो तब से मेरे दिमाग में ना इस चीज़ का डर बैठ गया. तो मेरे को एल्केप्टोन्यूरिया हमेशा से इसीलिए याद रहता है क्योंकि यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग. इसमें भी यही है, ब्लैक हो रहा है. तो ऐसा नहीं होता कि मर जाते हैं इसमें, होते ही मर जाते हैं. लेकिन मेरे को ऐसा, मैं रिलेट कर रही हूँ कि उसके साथ मेरे को ये हमेशा याद रखते हैं. तो आप भी उसके साथ याद रख सकते हो. इंपॉर्टेंट है एल्केप्टोन्यूरिया भी, कि वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. फिनाइल कीटोन्यूरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट एल्केप्टोन्यूरिया भी इंपॉर्टेंट है. और एल्बिनिज्म है पर उससे भी कम है. अब आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? कि आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि चलो बताओ टायरोसिन किस में कन्वर्ट होता है? नहीं, वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया अगर प्रॉब्लम है तो फिनाइल एलानिन का क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट नहीं होगा? तो आप बोलोगे टायरोसिनेज में कन्वर्ट नहीं होगा. फिर पूछेंगे किस में होगा, तो बोलेंगे फिनाइल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा. फिनाइल कीटोन्यूरिया में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? तो आप बोलोगे फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने मिलते? तो आप बोलोगे मेंटल रिटार्डेशन, और दूसरा क्या? हाइपोपिगमेंटेशन. समझे? इतना. सेम एल्केप्टोन्यूरिया में पूछेंगे यूरिन कौन से कलर में टर्न होता है, या यूरिन टर्न ब्लैक ऑन स्टैंडिंग किस डिसीज में? तो आप बोलोगे एल्केप्टोन्यूरिया. ऐसे आपको समझ में आ रहा है कि क्या पूछेंगे? ये नहीं पूछेंगे कि किसको कौन किसके बाद कन्वर्ट करना है, ऐसा सब नहीं क्वेश्चन पूछने वाले. अब क्रोमोसोम नंबर अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखो 11, 12. सबसे पहला क्या है? 11. उसके बाद है 12. फिर 12 के बाद 2+1 क्या है? 3. तो 11, 12 एंड 3. ऐसे आप याद रख सकते हो सारे क्रोमोसोम के नंबर. इसको लिख लो, लिख तो चुके होगे, जो छोटी बहुत चीजें हैं वो ऐड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिकल सेल एनीमिया. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेंगे ही पूछेंगे. सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक आरबीसी है ना, नॉर्मल आरबीसी है हमारे पास. उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड होते हैं और 2 होते हैं हमारे पास बीटा पॉलीपेप्टाइड. कैसे होते हैं? यहाँ पर 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड. अगर आप भूल गए हो तो पॉलीपेप्टाइड यानी पेप्टाइड की चेन, यानी हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो बीटा पॉलीपेप्टाइड
अगर नॉर्मल हुआ तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आरबीसी फंक्शनल होंगे, यानी आरबीसी बराबर काम करेंगे। आरबीसी फंक्शनल है इसका मतलब उसका जो सिक्स्थ अमाइनो एसिड है बीटा पॉलीपेप्टाइड की चेन का, 1, 2, 3, 4, 5 जो सिक्स्थ अमाइनो एसिड है वो होगा ग्लूटामिक एसिड। क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड होगा। ये नॉर्मल है हमारा सिकल सेल एनीमिया का, आरबीसी फंक्शनल है, ग्लूटामिक एसिड रहेगा सिक्स्थ अमाइनो एसिड बीटा पॉलीपेप्टाइड के चेन का। लेकिन अगर उस इंसान को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो क्या होगा? अब ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है तो कुछ चेन मैंने अगर आपको बताया तो उसी में ही गड़बड़ होगी। तो क्या चेन में गड़बड़ होगी? इसका जो सिक्स्थ अमाइनो एसिड है, 1, 2, 3, 4, 5 सिक्स्थ अमाइनो एसिड, वो ग्लूटामिक एसिड ना होके अब वो चेंज हो जाएगा वैलिन में। किस में हो जाएगा? वैलिन। तो हम उसको बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि ग्लूटामिक एसिड कब है और वैलिन कब है? आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब सिकल सेल एनीमिया होगा तो ग्लूटामिक एसिड को हम क्या बोल देंगे? गुड बाय, चले जाओ। और किसको वेलकम करेंगे? वैलिन को। वैलिन को वेलकम करेंगे और गुड बाय बोल देंगे ग्लूटामिक एसिड को। तो अब मैं आपको इसके वो बताऊं क्या हीमोग्लोबिन कैसे होते हैं। तो वो ऐसे होते हैं, हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसा होता है? नॉर्मल दोनों चेन, दोनों जीन, ठीक है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या हो सकता है? या तो एक जीन अफेक्टेड है या तो दोनों ही जीन अफेक्टेड है। ओके, अगर सिकल सेल एनीमिया है तो यहाँ पे सिकल सेल हो जाती है। सिकल सेल क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आरबीसी का नॉर्मल शेप क्या होता है? बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्केव डिस्क शेप, बाइकॉन्वेक्स डिस्क शेप्ड। और सिकल सेल का मतलब होता है ऐसा कुछ दिखने वाला। तो जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो सिकल सेल शेप हो जाता है इसका। तो इसमें नॉर्मल में आरबीसी का नॉर्मल शेप, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में, ये क्या बोल रहे, सिकल सेल एनीमिया में सिकल शेप हो जाएगा। सिकल सिकल क्या कर रही हूँ मैं? और अगर दोनों ही सिकल सेल जीन हो गए तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ये मर ही जाएगा पैदा होते हुए। समझे इतना? नॉर्मल क्या होता है? दोनों की दोनों जो एलील है वो नॉर्मल होती है हीमोग्लोबिन की। सिकल सेल में या तो एक ही सिकल हो सकती है, एक मतलब एक ही जो बीटा पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो डिफेक्टिव हो सकती है, या तो दोनों हो सकती है। अगर दोनों डिफेक्टिव होगी तो वो मर जाएगा, एक ही डिफेक्टिव होगी तो वो जिंदा रहेगा, लेकिन उसको सिकल सेल एनीमिया रहेगा। अब सिकल सेल एनीमिया जो है उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सिम्टम्स को आप ऐसे याद रख सकते हो, मोजा, यू नो सॉक्स को मोजा बोलते हैं। नहीं पता तो अभी पता कर लो, क्या बोलते हैं सॉक्स को? मोजा। ये हमारे सिम्टम्स है सिकल सेल एनीमिया के। सबसे पहला क्या है? मलेरिया रेजिस्टेंट। मलेरिया रेजिस्टेंट क्यों? मलेरिया किसकी वजह से होता है? अगेन ये ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम कोई भी मलेरिया। तो अब वो जो प्लाज्मोडियम है उसको क्या चाहिए? आरबीसी चाहिए, आरबीसी की सरफेस चाहिए रहने के लिए। आरबीसी उसको कैसी चाहिए? नॉर्मल आरबीसी चाहिए। कैसी चाहिए? नॉर्मल आरबीसी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो खुद को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन दे सके तो वो मुझे देगा ना, वो खुद को ही नहीं दे सकता अगर सिकल सेल में, तो मेरा क्या करेगा? सिकल सेल एनीमिया में मलेरिया नहीं होता है। अब कुछ एंडेमिक जगह है, एंडेमिक का मतलब कुछ ऐसी पर्टिकुलर जगह है, फॉर एन एग्जाम्पल
साउथ अफ्रीका में है अगर कोई जगह, वहाँ पे यूजुअली सिकल सेल एनीमिया कॉमन होता है। अब इंडिया में देखें तो साउथ गुजरात की जगह पर या गुजरात की जगह पर इन जनरल सिकल सेल एनीमिया थोड़ा कॉमन होता है विथ रिस्पेक्ट टू दूसरी जगह के हिसाब से। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर सिकल सेल एनीमिया वाले हैं तो एटलीस्ट मलेरिया तो नहीं, जिस जगह पर अगर मलेरिया की वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं तो वहाँ पर तो सिकल सेल एनीमिया ज़्यादा बेटर है ना, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। तो इसलिए इस तरीके से भी मैनेज हो सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? मलेरिया रेजिस्टेंट। उनको मलेरिया क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? क्या नहीं होगा। दूसरा क्या है? ओ, सिकल सेल एनीमिया में RBCs आर ऑक्सीजन स्ट्रेस्ड। क्यों? क्योंकि RBC हार्ड हो जाती है और हर जगह पहुंच नहीं पाती है उसके शेप के हिसाब से। ये बायकॉन्वेक्स इसीलिए ही होती है क्योंकि हर जगह हर छोटी छोटी कैपिलरीज में जा सके। नेक्स्ट इज J। J से होता है जॉन्डिस और A से होता है एनीमिया। क्यों जॉन्डिस होता है? क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पैन कम हो जाती है, प्लस आरबीसी ब्रिटल भी हो जाते हैं, मतलब इजीली ब्रेकेबल। तो आरबीसी कम होंगे इसका मतलब क्या होगा? जॉन्डिस और एनीमिया। तो मोजा से आप ये याद रख सकते हो। ये है हमारा सिकल सेल एनीमिया। लेट्स रिव्यू इट, रिकैप करते हैं। सिकल सेल एनीमिया मतलब क्या है? मतलब कि ये है कि उसको जो सिक्स अमाइनो एसिड है उसमें ग्लूटामिक एसिड ने गुड बाय बोल दिया और एंट्री किसने लिया? हमने वेलकम किसको किया? वैलिन को वेलकम किया। और वैलिन के आने से जो सिकल सेल हो जाता है वो उसका आरबीसी का शेप हो जाता है सिकल। उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एक मलेरिया रेजिस्टेंट M, ओ से ऑक्सीजन स्ट्रेस्ड, जॉन्डिस और एनीमिया मोजा। और फिर उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बताई, हीमोग्लोबिन। नॉर्मल का NN होता है, SN या SS किसका होता है? सिकल सेल एनीमिया का। अगर दोनों SS होए तो इसका मतलब वो जो इंसान है वो अब सर्वाइव कर ही नहीं सकता, वो पैदा होते ही मर जाता है। तो जो सिकल सेल एनीमिया वाले सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग हीटरोजाइगस कंडीशन में करते हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सिकल सेल एनीमिया। विल मूव ऑन टू द अदर टॉपिक, दैट इज स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। तो इसको लिख लो पहले। Let's start with starch branching enzyme. अब ध्यान से सुनना, confusion ना हो इसलिए, क्योंकि probability है अगर आप नहीं सुनोगे तो confusion लेके आओगे। एक है homozygous dominant, capital B, एक है homozygous recessive, small b। इन दोनों को cross किया, ठीक है। कैपिटल बी वो होमोजाइगस डोमिनेंट क्यों था? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम था। ज्यादा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम होगा तो ज्यादा स्टार्च ग्रेन की फॉर्मेशन होगी। और इसकी वजह से स्टार्च का साइज भी ज़्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? अगर ज़्यादा एंजाइम होगा तो ज़्यादा स्टार्च बनेगा, ज़्यादा स्टार्च बनेगा तो स्टार्च की साइज बड़ी होगी। अगर कम एंजाइम हुआ, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम कम हुआ तो क्या बनेगा? कम स्टार्च बनेगा और इसकी वजह से जो स्टार्च की ग्रेन साइज होगी वो छोटी होगी। इतना तो लॉजिक समझ में आता है ना? ज्यादा एंजाइम ज्यादा स्टार्च, ज्यादा साइज उसकी। अब इसका जब क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसका क्या होना चाहिए? इसका लार्ज है साइज, कहाँ गया लिखा ही नहीं, लार्ज है साइज, इसका स्मॉल है, इसका होगा इंटरमीडिएट साइज। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर आपको याद हो
कि SBE मैंने इनिशियली राउंड और रिंकल्ड में भी बताया था, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अगर हम सीड शेप की बात करें, ध्यान से सुनना, सीड शेप की बात करें तो हम बताते हैं कि वो या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। राउंड क्यों होगा? क्योंकि वहाँ का जो शुगर है वो कन्वर्ट होगा स्टार्च में इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। रिंकल्ड क्यों होगा? शुगर है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा स्टार्च में क्योंकि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम इज एब्सेंट। ये सीड शेप है। दूसरा एक और है स्टार्च ग्रेन साइज। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। क्योंकि दोनों में डिफरेंस है इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ें पूछी जाएगी। अगर सीड शेप पूछा तो राउंड एंड रिंकल्ड की बात करेंगे, जो हमने पहले बात कर चुके हैं वो। लेकिन अगर स्टार्च ग्रेन की साइज पूछे तो ये होगा। अगर डोमिनेंट है तो मतलब कि उसके अंदर SBE ज़्यादा है, इसीलिए स्टार्च ग्रेन साइज बड़ा है। अगर रेसेसिव है तो इसमें SBE कम है इसलिए स्टार्च ग्रेन साइज कम है। और ये कैपिटल भी स्मॉल भी क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट हो जाएगा। ये अगर आपको याद हो या समझ में आ रहा हो तो क्या इसको मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल भी दे सकती हूँ? पहले स्टार्च साइज बड़ा था, फिर स्मॉल था, दोनों को क्रॉस किया तो इंटरमीडिएट आ गया। तो ये एग्जांपल हमने प्लियोट्रॉफी में पढ़ा है। दूसरा, हम लोग बोल रहे हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल भी है कि नहीं? है ही ना। तो अगर आपके क्वेश्चन में आया कि स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस एंजाइम वो किस टाइप ऑफ एग्जांपल है, वो ऑप्शन में दोनों डाल दे, प्लियोट्रॉफी भी डाल दे और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी डाल दे, तो आप मार्क करोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, हालांकि दोनों एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा है पर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस मार्क करना। ये एक और चीज रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। जस्ट इन केस अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा जाए तो उसके लिए। इतना समझ में आया आपको? कोई भी तकलीफ इसमें नहीं, ये याद रखना और कंफ्यूज मत होना। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज, दैट इज कि हमारा एक नॉर्मल एलील है, ठीक है, वो अगर नॉर्मली फंक्शन कर रहा है तो वो नॉर्मल आरएनए बनाएगा, वो आगे जाके नॉर्मल एंजाइम्स की फॉर्मेशन करेगा और नॉर्मल नॉर्मल सब होता जाएगा। लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया इस एलील के अंदर तो अब वो क्या हो जाएगी? म्यूटेंट एलील, है ना। अगर कोई एक एलील है, कोई जीन है, उसका जो एलील है वो नॉर्मल है तो तब तक नॉर्मल था। लेकिन अगर मान लो इस जीन के अंदर, इस एलील के अंदर क्या हो गई? म्यूटेशन हो गई, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। और वो क्या क्या है? सबसे पहला, अनमॉडिफाइड और लेस एंजाइम, मॉडिफाइड एंजाइम, नो एंजाइम। यानी कि एक पॉसिबिलिटी है ये जो म्यूटेशन हुआ वो म्यूटेशन से इतना कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। इन ओवरऑल अगर आप देखो तो उस एक छोटे से म्यूटेशन से इन जनरल कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है या इतना माइनर फर्क। फॉर एन एग्जांपल, अगर ज़्यादा एंजाइम रिलीज होना था, अभी थोड़ा कम रिलीज हो रहा है तो उससे हमारी बॉडी एडजस्ट कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या है? जो मॉडिफाइड एलील है ये वाली इज इक्वल टू और ऑलमोस्ट इक्वल टू रादर अनमॉडिफाइड एलील। ये नोट करके लिखना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर एलील म्यूटेंट थी पर लेकिन वो अनमॉडिफाइड एंजाइम
या फिर लेस एंजाइम प्रोड्यूस करें, मतलब एंजाइम तो वैसा का वैसा ही प्रोड्यूस हो रहा है या खाली सिर्फ कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा हमारी बॉडी में। दूसरा, मॉडिफाइड एंजाइम। अगर मॉडिफाइड एंजाइम होगा, यानी कि जो होना चाहिए एंजाइम वो ना बन के कोई दूसरा एंजाइम बने, तो प्रॉब्लम है। या फिर नो एंजाइम, बनना तो चाहिए था पर बन ही नहीं पा रहा है, तो ये दोनों प्रॉब्लमेटिक है। ये तो एकदम बढ़िया जिंदगी चल रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड एलील इज इक्वल टू अनमॉडिफाइड एलील, यानी कि दोनों की दोनों सेम है। लेकिन ये जो दोनों होगी इसमें क्या होगा, इसमें होगा फीनोटाइप इफेक्ट। क्या? फीनोटाइप इज अफेक्टेड। समझे के नहीं?